हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं जीएस से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे घास के मैदानों के बारे में कि विश्व में कौन कौन से प्रकार के घास के मैदान हैं, उनके क्या नाम हैं और उनसे संबंधित देशों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं घास के मैदान जो होते हैं वह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं और दूसरे जो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हमारा आता है सेलवाज, सवाना, लानोज, पार्कलैंड और कैंपास। ये सब हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जबकि शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम में हमारे पास आते हैं स्टैपीज, प्रेयरी, डाउन्स, वेल्ड, पंपास। एक बार फिर से देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय में आते हैं सेलवाज, सवाना, लानोज, पार्कलैंड और कैंपास। जबकि शीतोष्ण में आते हैं स्टैपीज, प्रेयरी, डाउन्स, वेल्ड और पंपास। अब देख लेते हैं कि ये घास के मैदान जो हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से महाद्वीप में हैं या कौन कौन से देश में ये पाए जाते हैं। पहला है सवाना। सवाना तो आपको मालूम है जैसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और सवाना पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका जैसे केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया या ब्राज़ील में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः वैसे ये अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अगला है पंपास। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील जैसे देशों में या फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला है स्टैपीज। स्टैपीज आपके पाए जाते हैं पश्चिमी रूस या फिर मध्य एशिया, जिसे हम लोग यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं स्टैपीज घास के मैदान। अगला है कैंपास। यह पाया जाता है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि या फिर आप कह सकते हैं यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला है लानोज। लानोज पाए जाते हैं वेनेजुएला में। अगला है सेलवाज। सेलवाज पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। अमेजन एक नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है, जिसका फ्लो है दक्षिण अमेरिका में। सेलवाज घास के मैदान भी वहीं पाए जाते हैं। अगला है सेराडो। सेराडो जो है यह ब्राज़ील के घास के मैदान हैं। अगला है साहेल। साहेल जो है वह अफ्रीका में लाल सागर से और अटलांटिक सागर तक के घास के मैदान को साहेल कहते हैं। अगले हैं वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अगला है कैंटरबरी। यह पाया जाता है न्यूजीलैंड में। अगले हैं डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला है प्रेयरी। प्रेयरी पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। अगले घास के मैदान हैं पुस्ताज, जो पाए जाते हैं हंगरी में। अगले घास के मैदान हैं पटाना। पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं श्रीलंका में। अगले हैं पोर्कलैंड। यह पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तरी अमेरिका। लानोज अमेजन नदी के उत्तरी ऑर्निको बेसिन में या फिर आप कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका में। ऐसे ही कंपास है, यह भी दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं। एक है पार्कलैंड, यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। और यह है एक होता है पोर्कलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हैं। अगले हैं स्टैपी। स्टैपी घास के मैदान जो है हम लोगों ने पढ़ा था यूरेशिया, और ये ट्यूनिशिया में भी पाए जाते हैं। तो ये थे आज के घास के मैदान, जिसमें से मुख्यतः आपको याद रखने की जो ज़रूरत है वो होगी जैसे सवाना जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, पंपास
स्टैपीज, लानोज, सेलवाज, एक वेल्ड, डाउन्स, प्रेयरी, उस्ताज, ये सब महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं जिनको आप लोग याद रख सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।